देखिए ना जी, सारा फट गया जी। फट गया यानी कि बहुत अच्छा बन गया। अब इसमें रखेंगे। अब अच्छा था बेटा, फिर तो गांठों की लग गई है। हरेम का कति कर देते चार वो पोछा पता है यहाँ पर। तो मस्त सा चोखा बन रहा है अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है बरसात का मौसम, और इस बरसात के मौसम में ना कपड़े तो सूखना एकदम बहुत जरूरी है, लेकिन सूख नहीं रहा है। और आज ऐसे बरसात में कुछ खास रेसिपी बनाने वाले हैं। ये अभी देखिए हथौड़ी से क्या कर रहे हैं, क्या करें इसको, हम ठोक देते बाल में, काटी गार दीजिए। तो ये ना अभी दीवार में काटी गार रहे थे ऐसे ऐसे करके, लीजिए जा दीवार में, दीवार में। हरदी के टोना से बनारस लनवै हो, नती हरदी के टोना के पिसतै गे नानी, हरदी के टोना के पिसतै गे नानी, हरदी के टोना आज नानी के हाथ हो दू साहब को तेल लग रहा है, लगाने दे नहीं रहे थे, लेकिन आज नानी का मोबाइल पकड़े हैं इसीलिए नानी को थोड़ा सा भाव दे रहे हैं। दोस्तों डूर साहब का मालिश हो गया, और यहाँ पर ना ये अभी सासू माँ के साथ में, मतलब नानी के साथ में मालिश किया, तो थोड़ा सा इनको अच्छा लगा, तो साथ में रहने लगे। तो साथ में रह नहीं रहे थे, जैसे चीन नहीं रहे हो। क्या हुआ? रिश्वत खोजता है। अच्छा हाँ, देखिए तेल भी लगवा लिया मम्मी से, और देखिए मम्मी वहाँ गई। तुम बोल देते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। मम्मी इनको नानी का मोबाइल बहुत पसंद है, ये पकड़िए ले लिए, खुश हो गए। अब तो नानी अच्छा है का? का की नानी मोबाइल दी है। हाँ ना लेते अब नहीं, तार में ले आया हूँ। और सासू माँ का कहना है ना, कपड़े सूख नहीं रहे बारिश में, आप क्या कर सकते हैं। हम लोग तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रस्सी बना कर टांग दीजिए, सारे कपड़े हम यहीं पर सुखाएंगे, जिसके लिए मैंने किल भी यहाँ पर ठोक दिया है। एक यहाँ पर ठोक दिया है, वहाँ पर ठोक दिया है। अब इसी तार के सहारे कर रहे हैं, तो पहले बांध तो दे रहे हमको यार। तब होगा, और ऐसे में हम कहाँ जाएंगे रस्सी लाने के लिए। तो सोचे तार है मेरे पास, तो इसी तार का यूज कर लेंगे, और तार बहुत मजबूत है, इसी पर रस्सी पर हम लोग टांग देंगे, फिर कपड़े बांधते हैं। लेकिन ये जो है ना, हाँ। और टिकेगा तब मम्मी मम्मी का तो स्टाइल ही निकालना है। सही बात है, ऑरेंज है मतलब टाइट है, वो नहीं पा रहा है, गांव देहात की भाषा है ऑरेंज। कभी कभी गड़ जाता है माँ, सुननी ना, तो उसी ईमान को छोड़ दीजिए ना, जब नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सताइए ना उधर अंदर सताइए। हाँ छोड़ दीजिए, अच्छा है, फिर दोबारा नहीं गड़ा रहा है तो। दोस्तों यहाँ पर हम टंगना बना दिए, तो यहाँ से लेकर रस्सी को यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक कर दिए हैं, मतलब तार को, और रूबी देते जा रहे हैं, मम्मी टांगते जा रहे हैं। हरा मिर्चाई खत्म हो गया, तोड़ ली थी आपका, तो तीन पीस थी ना। दोस्तों ये रहा हमारा खेती का हरा वाला मिर्चा, एकदम ताजा ताजा है, इतना मिर्चा भी है, और अभी मिर्चा है लेकिन कम तोड़े हुए हैं। क्या जितना जोड़ी उतनी तोड़ेंगे ना। का हो हीरो, का हुई थे बाहर खेलने के लिए बका रहे हैं। दोस्तों इधर प्याज कट रहा है अभी, और क्या बनने वाला है, बनाएंगे प्याज, काट लेंगे मिर्चाई, काट लेंगे लहसुन, काट लेंगे आटा, गूंथ लेंगे, ओकरा बाद लिट्टी सोचरा है कोला पर को बनाएंगे। कोला पर का लिट्टी बनेगा आज, तो मजा आ जाएगा, कोला वाला लिट्टी खाने को मिलेगा। चलिए हम भी मम्मी का थोड़ा हेल्प कर देते हैं।
दोस्तों इधर चल रहा है डूर साहब का पढ़ाई और सिर्फ छेछे जा रहे हैं और चूज कर रहे हैं कि क्या से हम लिखे अभी। तो अभी कलर मिल गया इनको, पेंसिल मिल गया, तो ये देखिए पेंसिल से अभी इनको लिखना है, ये लिख रहे हैं अभी। आटा सना रहे हैं ना, नमक नहीं। दोस्तों यहाँ पर पानी गर्म कर दिए हैं, इसमें आलू डालेंगे चोखा के लिए, आलू और टमाटर। यहाँ पर कुछ नमक टमाटर मिर्चा निकाल लिए हैं और सत्तू को भूकरने के लिए प्याज, इधर ज्वाइन मंगरेला और इसमें सत्तू ऐड कर रहे हैं। इसमें पानी नहीं डाले ना, डाले ना पानी, मतलब अभी नहीं डाले हैं, अभी ना पानी कहीं अच्छा भूख रहा है, पानी हरे प्याज वाला ना। इसमें तेल डाले थे का? इधर डूबू साहब के लिए खा रहे हैं और इधर हम लोग के लिए। कोयला हम धर दे, कहाँ रखें जी? रुक जा, कोयला वहीं पे है। अच्छा, आधा निकल देता है, पहले गोलियां लेंगे तब। अच्छा मिर्चा नहीं डाले हम अभी ना, ना बाबू का अलग निकाल लेंगे उसके बाद, झाल लगेगा ना डूबू को। ये देखो आप ठीक लगेगा, ये देखिए मिर्चा के पीस लिए हैं, कुछ दे तो ठीक रहे करे बेटा। आज माँ के हाथों का सवाद ले लीजिए दीदी। देखिए मम्मी एकदम सेम साइज काटते हैं, आदत हो गया है। बहुत हम लोग तो चख लिए दोस्तों, वो वाला जो भूखरे हुए हैं, बड़ा मजा आ गया खाने में। उसका छोटा पड़ेगा, छोटा बाबू के लिए बन रहा है जो रूबी बना रहे हैं, इधर सासू माँ बना रहे हैं, बड़ा बड़ा जो हम लोग के लिए हो जाएगा। एक बार में मम्मी भर लेते हैं, देखिए मम्मी को भरने का तरीका कितना अच्छा है। देखिए देखिए लग रहा है कि ऐसा लिट्टी हम लोग कभी होटल में नहीं खाए होंगे, बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है। हाँ बाबू छींक दिए। हाँ मिनटों नहीं लगा वो तैयार हो गया लिट्टी। अभी हम कर ही रहे हैं, मम्मी कल बना दिए। आज कोयला में हमारे यहाँ लिट्टी बनेगा, जिसके लिए एक तगाड़ी कोयला निकाल लिया रूबी और अभी धरा रहे हैं। हम लोग को कोयला पर लिट्टी खाए हुए महीनों, कई महीना हो गया। हाँ, तो माई का कहना है पिछले बार सावन में हम लोग यहाँ भी बनाए थे बाहर में, जो कहा हाँ, पिछले साल सावन ने बनाए थे, याद है बाहर बैठे जब बनाए थे कोयला वाला, जिसमें मम्मी ला दी थी कोयला, फिर तुम लोग घर चूल्हा बनाया तभी कोयला खुद ही हो गया। कोयला पर का स्वाद गजब हो जाता है दोस्तों और मजा आ जाता है खाने में। मेरे पापा को ना फेवरेट है कोयला पका लिट्टी ना मम्मी, पापा को बहुत अच्छा लगता है। सब गढ़ा गया, बड़ा बड़ा लिट्टी बन रहा है आज, और घी फ्राई करके खाएंगे रूबी को, आगे जो है ना अच्छी तरह से अब लग गया। इधर क्वालिटी तैयार है, टमाटर अच्छा हाँ आलू में डाले मम्मी टमाटर, ये देखिए मम्मी मिर्चा में भूरे ठेंगे, नया तरीका। सोन सोन लगता है खाने में, अरे मैं सारा सोन सोन लोग बनाए खिला रहे, जीवन ऐसे ठटेगा ना खाइएगा तो। हमारे मिर्चा का तो खांसी लगा पर नाक सुन कर दिया, लेकिन अच्छा लग रहा है सोन लगा। दोस्तों सासू माँ जो है लिट्टी को एक एक करके पूरा डाल दिए और एकदम आगे में झकास से पकेगा। रूबी का ड्यूटी मिला बिना अपने के लिए, अरे इतना जल्दी पक गया।
होता है तो अनुमान नहीं था दोस्तों इतना जल्दी पकेगा। बस अब देखते जाइए दोस्तों, फाइनली अच्छी तरह से पक गया लिट्टी। इधर देखिए ना जी, सारा फट गया जी। फट गया यानी कि बहुत अच्छा बन गया है ना मम्मी। इधर देखिए सारा लिट्टी मतलब फट गया। ये देखिए ना ये कितना ज्यादा फटा हुआ है, एकदम झकास। ये लग रहा है कि आधा निकल जाएगा। सुनो ना, निकालो और जहाँ तक बोलो हम वहां से बताबे का दिन आप की बना दे बोला। एकदम झकास से बन गई लिट्टी दोस्तों। अब चोखा का तैयारी हो रहा है, चोखा बनेगा अभी। इसमें ना अभी करेंगे जी क्या काला काला दिख रहा है, इसको पैक करने वाले हैं। ऐसा कीजिए इसको पानी डाल दीजिए, इसमें काम आएगा। रूबी का ये अपना उपाय है। ये देखिए है ना अंदर दोनों में चिकन हो गया। अब इसमें रखेंगे। अब अच्छा होता बेटा, फिर तक गांठो गीला हो गया है। मम्मी का ट्रिक है जी, कभी कभी काम आ जाता है। इधर देखिए आज खोते ना बना दी। इधर वो भी सब सजा कर रख दिए हैं और यहाँ पर माई जो है ना बना रहे हैं इसको चोखा। और ये जो पकाए थे उसी में सब डाल दिए नमक उमक, और इसमें भी थे कुचेंगे लहसुन को। और ये घी मालिश कर रहे हैं लिट्टी में, बना रहे हैं। अब ना खाने मजा आएगा। देसी घी, घी वाला लिट्टी मतलब बना रहे हैं। हाँ माई के भी ले रहे हैं, किसी लेंगे। माई थे कुछ रहे ना लहसुन और मिर्चा सॉरी पका के रखे हैं, लहसुन थे कुछ रहे गिलास में। कुछने वाला है लेकिन मम्मी को ये वाला अच्छा लग रहा है। सबका अपना अपना तरीका है। कितना अच्छा है, एकदम चिकन चिकन दिख रहा है। काश बैगन होता ना तो भरता बनता मजा आता। भातों को बोलते हैं ना जो होता है चोखा बैगन का। इतना बारिश हो रहा कैसे सब देना है, 5 मिनट नहीं खुला है ना बारिश, इसीलिए नहीं गया, नहीं तो फिर मजा देता। बाबू को छोटा छोटा छान लेते हैं, खाने में अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं इधर आलू उबल गया है, एकदम मस्त सा चोखा बन रहा है अभी। और टमाटर हुआ पूरा भी होती तब। और दूसरी तरफ रूबी घिर चुके हैं बाबू का लिट्टी बनाने में, और हमारे डोगो साहब को छाना हो पसंद तो इसके लिए छान रहे हैं। लिट्टी चोखा रेडी है, बाबू का लिट्टी रेडी कर देंगे। तो अभी चल रहा है हमारे डोगू का रात का खाना। हाँ अभी हम लोग वो लिट्टी बनाए, हम लोग वो खाएंगे, बाबू को लिए पहले ये खिला दे रहे गरम गरम। हाँ बेटा फिर खा के सो जाइएगा ऐसे। हाँ राजू जब बैठो हमने ख्याल तरह पछाड़ी खाए। बहुत दिन बाद इतना सुकून का हंसी मिला है मम्मी के साथ में, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये बाबू बता देते बेटे, ये देखिए वो आते ही कितना अच्छा लग रहा है ना जी। बस करो चलो, मतलब लिट्टी और चोखा तवे पर फार के, और अगर जो खाई सो पछताई और जो ना खाई वो पछताई, ऐसे का है। तो दोस्तों रात का ये हम लोग का खाना है, आप सब भी आ जाइए लिट्टी और चोखा खाने के लिए सासू माँ के हाथ का। उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके ये रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।